तो हेलो मेरे बजुल भाइयों, क्या हाल चाल। आ चुका हूँ एक और गेम प्ले लेकर। और भाई फाइनली 2 दिन तक क्राउन 2 में अटक जाने के बाद आज जाके क्राउन 1 हो पाया, वो भी बहुत मेहनत करके। और भाई क्या ही बोलूँ, रोज करता हूँ 100+ लेकिन होता है सिर्फ 50। मतलब भाई क्या ही माइनस लग रहा था मतलब 2 दिन से, भाई क्या ही बोलूँ। फिलहाल तो ये जो गेम प्ले क्राउन 1 का है, और इसमें भाई देखना क्या क्या सिचुएशन से मैं गुजरता हूँ। मतलब फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ नोवो, और भाई मिलता नहीं रास्ते में, एक भी कार नहीं मिलता। लेकिन शुक्र आगे एक बाइक दिख जाता है जिसको मैं लेकर सीधा नोवो घुस जाता हूँ। और भाई नोवो से आते वक्त देखना क्या सीन होता है मेरे साथ। फिलहाल तो इधर आ चुका हूँ मैं नोवो, और नोवो में एक भी बंदा नहीं आया। लेकिन भाई मैं क्या बोलूँ भाई, इतना जहरीला जहरीला माइनस लग रहा था ना भाई क्राउन 2 में, कसम से भाई इतने माइनस ना मेरे खुद के अकाउंट में भी इतना नहीं लगा था जिसको इस आईडी में जितना माइनस लग गया मेरा। मतलब भाई क्राउन 2 में 2 दिन से अटका पड़ा था, और वो भी भाई क्या ही इतना जहरीला। मतलब हर रोज़ मैं 92 पर जाता हूँ, 95 पर जाता हूँ, 98 पर जाता हूँ, और वहाँ से घूम कर आ जाता हूँ। भाई क्या बोलूँ, आज 92 पर था, उधर से मेरे को 9 माइनस लगा, फिर मैं 98 पर गया, उधर से भाई 47 का माइनस लग गया मुझे, और भाई वापस फिर से मैं 50+ किया, और फिर से मेरे फिर जाके मेरा क्राउन 1 हो पाया आज। भाई क्या ही मतलब आज के दिन क्या ही था। सुबह से मतलब मस्त गेम प्ले जा रहा था, तो मस्त प्लस प्लस हो रहा था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही हो जाएगा प्लस, क्राउन 1 घुस जाऊंगा। लेकिन भाई रुको जरा, अभी भी वक्त बाकी है। तो वक्त ने मेरा ले लिया और मुझे माइनस दे दिया 47 का, जो मेरा शाम हो गया गेम खेलते खेलते। अभी फिलहाल तो भाई ये जो गेम प्ले है एक क्राउन 1 में पहुंचने के बाद, मतलब आज का ही गेम प्ले अभी मैंने रिकॉर्ड करके सीधा एडिट करके वॉइस ओवर देना चालू कर दिया। क्योंकि भाई देखो क्राउन 1 का गेम प्ले आपको लॉबी समझ में आ जाएगा, कैसे लॉबी में कैसा बंदा आता है अभी देखो फिलहाल में। और भाई हैकर्स की बात बोलूँ तो भाई क्या ही हैकर्स, तो भाई आता ही रहेगा, और भाई इस सीजन भी आ रहा है। लेकिन भाई पहले के जो सीजन था उस सीजन इस सीजन में थोड़ा कम आ रहा है, इस सीजन में उतना ज्यादा हैकर्स मुझे नहीं दिख रहा। अभी तो फिलहाल हैकर्स आ रहा है, इसका मतलब हैकर्स ही नहीं आता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। ये सोलो पीवी में इसमें तो हैकर आएगा ही, और अभी एंडिंग के टाइम मतलब हैकर्स की तो लाइन लगने वाले है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना सीजन 17 में जितना आया था, उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन आ रहा था। अभी क्या सिचुएशन होता है कि भाई देखो बहुत जल्दी बंदे मर जाता है, तो आपको लगेगा कि हैकर्स वैकर्स है। फिलहाल तो इधर एक बॉट चचा आ जाता है जिनको मैं मार देता हूँ, और मैं इधर से भाई भागने के लिए जा रहा था, मेरे पास जोन नहीं गिरा था, तो भाई इधर जोन नहीं था, मैं इधर से जा रहा था, तो एक और बॉट आ जाता है, इसको देखो। तो भाई देखो मैं इन दोनों को मार के सोचा था कि बोट लेके इधर से निकलूंगा, लेकिन भाई क्या ही बोलूँ, इधर तो एक बोट स्पॉन नहीं हुआ नोबो के इस साइड, एक बोट स्पॉन नहीं हुआ। क्योंकि मैं देखो बोट लेकर जाने का यही रीज़न कि मैं जब भी ब्रिज से जाता हूँ तभी मेरा लग जाता है, कोई ना कोई कैम करके मार देता है, तो इस वजह से मैं सोचा कि बोट लेकर जाऊँगा, लेकिन भाई बोट नहीं मिलता, तो फिर से मैं ब्रिज से जाने का ट्राई करता हूँ। लेकिन भाई मेरे बाइक ने क्या ही मुझे बचाया, देखना आगे जाके। तो भाई मैं इधर से उठाता हूँ बाइक, और जो नोबो वाले ब्रिज होता है उसके ऊपर न्यू वाले जो उड़न खटोला मतलब जो प्लेन देता है वो वाला मतलब स्पॉन्ड होता है वो इधर, तो मैं उसको लेकर सोचा था कि निकल लूँगा इधर से, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, एकदम मस्त हवा में उड़ते उड़ते पहुँच जाऊँगा। तो भाई वो तो स्पॉन्ड नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इधर से फुल स्पीड लेके निकल जाएंगे एकदम ब्रिज के ऊपर से एकदम फ्लैश की तरह। तो मैंने इधर फुल बूस्ट वूस्ट कर लेता हूँ इधर रुक के, तो बूस्ट वूस्ट करने के बाद सोचा था कि बाइक लेके एकदम मस्त निकल जाएंगे, बाइक के ऊपर स्पीड भी बहुत ज़्यादा है तो सोचा था, लेकिन भाई बाइक ने क्या ही जान बचाया मेरा। तो भाई क्या देखो अभी आगे मैं क्या करता हूँ, फुल स्पीड से इधर से निकलता हूँ ठीक है ना, लेकिन भाई ब्रिज के आगे जाता हूँ और मेरा बाइक देखना क्या हो जाता है। तो भाई ना कोई पत्थर था ना कुछ था, ना कुछ भी नहीं था ब्रिज के ऊपर, फिर भी ये बाइक पलट जाता है। लेकिन भाई पलटने के बाद मैं जब स्कोप करता हूँ चेक करने के लिए, तो भाई मुझे एक बागी दिख जाता है, तो मैंने सोचा बा बेटे बा तुम तो मच कर दिया, मतलब क्या ही जान बचा लिया मेरा। तो भाई इसी बात के लिए बाइक को फुल इज्जत देते हुए हम निकल जाते हैं इधर से कोने से। तो मैं कोने से निकलने के बाद सोचा बोर्ड लेके चला जाऊंगा, लेकिन भाई जैसे बोर्ड लेने जाता हूँ ना तब भी एक सीन हो जाता है मेरे साथ। तो भाई देखना बोर्ड लेने के टाइम तो कुछ अलग ही सीन हो जाता है मेरे साथ, मतलब क्या ही बोलो भाई, मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है इस मैच में मेरे साथ। तो अभी देखो जैसे ही मैं बोर्ड लेने जाता हूँ, तो भाई पहले तो मैं बाइक लेके जाता हूँ बोर्ड ढूंढता हूँ, तो देखो क्या आगे आगे होता है। और भाई चैनल में जो जो न्यू आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना क्योंकि इस तरीके की गेम प्ले मैं लाता रहूँगा। और भाई कमेंट करो और लाइक भी कर दो, लेकिन भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। फिलहाल तो मैं देखो इधर आ चुका हूँ और मेरे को सामने एक बोर्ड दिखता है, और मैं जैसे ही वो बोर्ड लेने के लिए जाता हूँ भाई देखना क्या होता है।
तो भाई बाइक से मुझे खुद ब खुद ही बाहर निकल देता है, और जैसे ही पानी में गिरता है बाइक तो मेरे को एग्जिट करवा देता है। मैं एग्जिट नहीं किया था, मुझे एग्जिट करवा देता है, लेकिन उस तरफ से एक बोट भी जाता है। तो अभी देखो उस बोट के ऊपर फायर देता हूँ, लेकिन भाई डीपी की गोली कितना ही ड्रॉप हो रहा था, डीपी की गोली पहुँच ही नहीं रहा हूँ। तो भाई इधर डीपी ने हक दिया एकदम ही, बहुत लेट गोली जा रहा था, मतलब पहुंच ही नहीं रहा था, इतना दूर भी नहीं है जो डीपी ने यहाँ पर मार पाए, लेकिन भाई फिर भी डीपी से नहीं हो रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि भाई मैं भी उस तरफ जाने वाला हूँ, कहीं उंगली ना कर दिया। तो मैं कहेगा बोर्ड इधर से लिया और सीधा एकदम बेस की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि भाई इस तरफ जाऊँगा तो मौत पक्का है। तो मैं कहेगा इधर से सीधा बेस की तरफ निकल जाता हूँ। अभी देखो बेस की तरफ जाने के बाद क्या होता है मेरे साथ। तो भाई इधर आ चुका हूँ बेस, और इधर आने के बाद ना भाई बहुत ही अंदर, मतलब ऐसा लग रहा था कि राइट में भी बंदे लेफ्ट में भी बंदे, किसी तरह मुझे ना देखे और मैं किसी तरह किसी कब्र में चला जाऊँ। लेकिन भाई इधर आता हूँ तो भाई जोन भी मेरे ऊपर नहीं था, तो मुझे लगा कि भाई अब जोन लेना होगा। तो भाई मैं गाड़ी ढूंढ रहा था तो गाड़ी नहीं मिलता, अब इधर से मुझे ओपन में जाना पड़ रहा था, एकदम ओपन से जाना रहा था। तो भाई आप लोग भी अगर बोट वोट लेकर आते हो तो भाई एक गाड़ी का जुगाड़ कर लो, आप लोगों को पता ही होता है कि गाड़ी किधर किधर स्पॉन होता है। लेकिन भाई इधर देखो इस रास्ते में हर टाइम तीन गाड़ी स्पॉन होता ही है, लेकिन इस बार एक भी गाड़ी स्पॉन नहीं होता, मतलब एक भी गाड़ी इस रास्ते के ऊपर नहीं है, क्या ही भाई क्या ही बोलूँ। तो फिर मैं ओपन से जाता हूँ और जोन थोड़ी आगे मेरा मिडिल में हो जाता है, तो मैं उधर जाके एक सैक के अंदर, मतलब एक सैक के अंदर कवर लेके बैठ जाता हूँ। लेकिन भाई जैसे उस सैक के अंदर कवर लेके बैठता हूँ तो मेरे ऊपर आ जाता है एक गाड़ी, पुश कर देता है। तो अभी देखो उस गाड़ी को कैसे ही मैं उस गाड़ी वालों को कैसे ही मारता हूँ भाई। तो भाई इधर मैं जो इस सैक में आ चुका हूँ, और इस सैक में आने के बाद ही एक गाड़ी मेरे ऊपर पुश कर देता है, लेकिन भाई उसी के साथ मेरा नेट भी स्लो हो जाता है, मेरे को पता नहीं चलता कि क्यों भाई। तो भाई देखो इस गाड़ी को अभी मारा, तो भाई देखा गोली कब का लग चुका है और मर रहा है कितनी देर बाद बंदे को पास, मतलब रजिस्टर कितनी देर बाद हो रहा है। तो भाई इधर मेरा नेट स्लो हो जाता है, और जैसे मैं इस बंदे को मारता हूँ तो मेरे पास हो जाता है थोड़ा एक गाड़ी, मेरे को तो इसी बात का शौक था कि एक गाड़ी हो जाता है। तो फिलहाल नेट स्लो हो जाता है, मैं क्या करता हूँ इधर फ्लाइट मोड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, और फ्लाइट मोड करने के बाद मैं फिर से चला जाता हूँ गाड़ी लेने के लिए। तो भाई इधर से मैं गाड़ी लेता हूँ और सीधा निकल लेता हूँ जोन की तरफ। तो भाई इसकी गाड़ी मैं उठाता हूँ, उठाने के बाद जोन रोटेशन लेना चालू कर देता हूँ, लेकिन भाई इसकी गाड़ी जो होता है वो बहुत डैमेज हो जाता है पहले ही। तो मैं इधर सोचा था इस दो घर में से एक घर में घुस जाऊँगा, लेकिन ये दो घर में से पहले से ही फाइट चल रहा है, तो ये ऊपर की जो सैक होता है ये एकदम खाली होता है। तो मैं क्या करता हूँ इधर घुस जाता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो सीन क्या होता है कि इधर से आप दो लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इधर से ही बंदे अक्सर मर जाता है और टॉप टेन नहीं निकल पाते। तो आप देखो मैं इधर क्या करता हूँ, इधर एकदम होल करता हूँ, आगे फाइट वाइट चल रहा है, मैं क्या करता हूँ उधर देखता भी नहीं, लेकिन क्या करता हूँ कि आजू बाजू देखना चालू कर देता हूँ और दरवाजे खोल के थोड़ा बहुत झाँक लेता हूँ, लेकिन एकदम बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि बाहर निकालूंगा पीछे से कोई मार देगा और मेरा टॉप टेन नहीं होगा, फालतू का माइनस लग जाएगा। तो अभी देखो अभी क्या सीन होता है कि ये बागी वाला आके सामने के घर में रुक जाता है, लेकिन भाई एकदम से ये बागी वाला बाहर से आता है, जोन के बाहर से आता है, इस घर में रुक जाता है, लेकिन इधर जो दो बंदे होते हैं उनमें से एक दूसरे को तो मार के मर जाता है, लेकिन एक बंदा तो रहता है ना भाई, वो बंदा कहाँ गया किधर गया कुछ नहीं पता, इस बंदे को मारा ही नहीं, गोली ही नहीं चलाया, मुझे लगता है वो पहले इधर से निकल जाता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ इसको बहुत डीपी से मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई ये क्या सीन हो रहा है मुझे नहीं पता, डीपी से जब भी मारता हूँ गोली ही नहीं लगता बंदों को पास, मतलब गोली कितना लेट जा रहा है, और ये बंदा भी मेरा दरवाजा वरवाजा एकदम फोड़ देता है। तो मैं क्या करता हूँ इसको फिर से देखने का ट्राई करता हूँ, तो देखा भाई इसकी गोली नहीं लग रहा, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया मार रहा हूँ लेकिन भाई गोली नहीं लगता, तो इसने मेरा दरवाजा तोड़ा, तो मैंने भी रिवेंज लिया, इसका भी दरवाजा फोड़ देता हूँ मैं, तो इसका दरवाज़ा फोड़ देता हूँ, लेकिन ये बंदा उस दरवाजे के पीछे नहीं रहता, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, इतना बड़ा घर है, दो घर के किसी भी कोने में जाके बैठा रहेगा। तो इधर देखो एक गाड़ी फूटा हुआ है एकदम कोने में, तो पता नहीं वो किसने मार दिया होगा। तो अभी क्या सीन होता है कि ये बंदा भी निकलेगा और मेरे को थोड़ा सा आगे ही जाना होगा, लेकिन भाई जैसे आगे जाता हूँ तब एक सीन हो जाता है, अभी देखना आगे आगे क्या होता है। इधर सारे बंदे जोन रोटेशन ले रहे, तो मैं इधर इसलिए रुका हुआ था क्योंकि ये जो बंदा है ये निकलेगा, इसको मारने का ट्राई करूँगा, और तब तक भाई और भी ज़्यादा बंदे कम हो जाएगा, क्योंकि जोन बहुत छोटा हो जाएगा, आजू बाजू के बंदे जो जो जोन में घुसने का ट्राई करेगा वो सब मर जाएगा, और मेरा आराम से टॉप टेन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, इधर थोड़ी देर और होल्ड करता हूँ, जोन को मेरे तरफ आने देता हूँ। ये जब बंदा निकलते है वैसे ही मैं निकल जाता हूँ। अभी देखो मैं इधर आया तो मुझे जोन मिल गया, एकदम जोन में ही है, मेरी गाड़ी भी एकदम कवर बना के रखा है। तो ये बंदा आ जाता है, इसके ऊपर मैं धड़ाधड़ फायर लेता हूँ, लेकिन इस बंदे को गोली नहीं लगता। तो भाई ये बंदा आके इस पेड़ के पीछे रुक जाता है, तो मैं क्या करता हूँ इधर डीपी से भी इसको मारता हूँ। तो भाई डीपी से मैं पेड़ के दोनों साइड मार रहा था क्योंकि ये बंदा पीक ना कर पाए इसलिए। लेकिन भाई इसको M249 से किसने टपका दिया भाई, M249 मार के इसका एकदम धुआं बना दिया, पेटी बना दिया। तो मैं देखने जा रहा था तो इसको किसने मारा, M249 से मारा भाई, मतलब बहुत दूर से मारा था M249 से। तो मैं देखने के लिए जा रहा था तो मुझे दिखा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ जोन अब मेरे तरफ नहीं रहता, ठीक है ना। तो जोन मेरे तरफ नहीं रहता तो मैं क्या करता हूँ एक गाड़ी लेकर ही चला जाता हूँ जोन की तरफ। लेकिन भाई ये जो गाड़ी होता है ना भाई बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और जैसे ही मैं जाता हूँ सामने मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है, और चाइनीज था वो बंदा, देखना मेरे को कैसे गाड़ी से उतार देता है भाई। तो भाई क्या ही मार दिया मुझे, एकदम गाड़ी से उतर दिया, एकदम हेड मार के मुझे गाड़ी से बाहर निकल दिया। तो भाई इसका नाम तो मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मुझे चाइनीज नहीं आता। तो भाई आज के लिए गेम प्ले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले लेके बहुत ही जल्द। बाय बाय। और भाई चैनल में जो जो नया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।